क्या आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं? तो सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आपको जो है दुकान में जाके या साइबर कैफे में जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है इस सिचुएशन में दुकान वाले के पास जाते हैं या साइबर कैफे में जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपको 150 रुपीज़ से लेकर 200 रुपीज़ तक का आपको चार्ज कर देगा और वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको लर्निंग लाइसेंस की ज़रूरत है। इसके बाद जो है अगर आप लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो 6 महीने के बाद जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है आप बनवा सकते हैं। जब तक जो है आप लर्निंग लाइसेंस से आप ड्राइविंग कर सकते हैं, हाँ आप जो ड्राइविंग कीजिएगा तो आपके पीछे एक ड्राइवर होना चाहिए जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, नहीं तो आप बहुत ही प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अगर आपके पीछे कोई ड्राइवर बैठा हुआ है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप बहुत ही इजी तरीके से 6 महीने तक आप जो है 4 चक्का 2 चक्का चला सकते हैं। कैसे जो है आप लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा, तभी आप सीख पाइएगा कि किस तरीके से जो है आप लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अभी के टाइम में जो है 3 ऐसे स्टेट है जहां पे जो है आप बहुत ही आसान और बिल्कुल फ्री में आप लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है लर्निंग लाइसेंस के लिए आप किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर में टाइपिंग कर देना parivahan.gov.in, तब इस आपके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप ओपन हो जाएंगे, या मैं इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाने के बाद भी आप इस पेज पे आके ओपन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पर गाइडलाइन दे रखा है, तो आप यहाँ से जाके इस गाइडलाइन को बहुत ही आसानी से रीड कर सकते हो। तो आपको इस पर अप्लाई करने के लिए सिंपली आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन सर्विस, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर कर्सर रखिएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ देख रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस रिलीज सर्विस, सिंपली आपको क्या करना है, इस पर ओके कर देना है। जैसे इसको ओके कीजिएगा आपको कुछ इस तरह से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आपका स्टेट पेज चूज करना है, सिंपली यहाँ देख रहेंगे सिलेक्ट स्टेट नेम, सिंपली इस पर क्लिक करना है। आप जो भी स्टेट से है तो आपको अपना स्टेट इसमें से चूज कर लेना है। ठीक है, चलिए मैं अपना स्टेट चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद सिंपली आपको जैसे चूज कीजिएगा आपको डायरेक्ट ये नेक्स्ट पेज पर ले जाकर ओपन कर देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्राइविंग अप्लाई लर्निंग लाइसेंस है, तो आप यहाँ से अप्लाई लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कर सकते हैं। अपने अप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, चेक किए अगर पेमेंट किए हुए हैं तो इसका चेक पेमेंट स्टेटस आप यहां से देख सकते हैं। यहां पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट, आप यहां डॉक्यूमेंट कर सकते हैं फी पेमेंट के लिए, अगर आप बाद में करना चाहें तो आप यहां से फी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारा एप्लीकेशन दे रखा है जिसको आप बहुत आसानी से आप यहां से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर देख रहा हूं कि अप्लाई लर्निंग लाइसेंस, चलिए हम इस पर पहले क्लिक कर देता हूं। क्लिक करते ही आपको कुछ सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन हो के आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि आपको 6 स्टेप में आपको ये फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। पहले यह है कि आपको फिल एप्लीकेशन डिटेल, तो आपको पहले एप्लीकेशन को डिटेल से भरना पड़ेगा, या इसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट उसमें मांगा जा रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपलोड फोटो करना पड़ेगा और सिग्नेचर, तो आपको फोटो यहाँ फोटो और यहाँ पर आपको सिग्नेचर दोनों को अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद चौथा स्टेप में आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको देख रहे हैं कि वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस, इसके बाद अपना वेरीफाई कर लीजिएगा अगर पेमेंट क्या हुआ है। इसके बाद अपना प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो सिंपली चलिए हम पूरा प्रोसेस समझ लीजिए, यहाँ कंटिन्यू पर ओके कर दीजिए। जैसे इसको ओके कीजिएगा आपको कुछ इस तरह से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन आपको नजर आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो उसका नंबर डाल के आपको यहाँ पर सबमिट करना है।
अगर आप पूछा रहा जा रहा है कि आपके पास लर्निंग लाइसेंस है, तो लर्निंग लाइसेंस है तो उसका नंबर डाल के आपको यहाँ पर सबमिट करना है। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी नहीं है तो सिंपली आप पहले वाले एप्लीकेशन पर देख रहे हैं कि एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तो सिंपली इस पर टिक रहने देना है। अगर है तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं और अपना फॉर्म का जो भी है लर्निंग लाइसेंस है उसका नंबर डाल के यहाँ सबमिट कर सकते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं सिंपली इस पर रहने देता हूँ। इस पर मैं यहाँ पर सिंपली ओके सबमिट पर ओके कर देता हूँ। सबमिट पर ओके करते ही आपको सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारा जो ये छोटा सा फॉर्म है आपको बहुत ही आसानी से ये फॉर्म इसको फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर स्टेट का जो सेलेक्ट कह रहा है करने के लिए, तो ये जो फॉर्म भर रहे हैं ये लगभग सभी स्टेट में सेम ही है। तो आप किसी भी स्टेट से आप सिर्फ आपको स्टेट चूज करना पड़ेगा, बाकी जो फॉर्म भरने का तरीका है वो सेम ही है। तो अपने जो भी स्टेट से वो अपना आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी स्टेट से। तो मैं पहले बिहार सेलेक्ट किया था शुरू में, तो इसीलिए बिहार आ रहा है। सिंपली हमको यहाँ पर बिहार सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपका RTO ऑफिस कहाँ है, जो भी RTO ऑफिस है आपके वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए आपका जो भी RTO ऑफिस इसमें है तो वो अपना स्टेट डाल के इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी। चलिए मैं अपना RTO ऑफिस इसमें से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आप पिन कोड का भी यहाँ हैड हो चुका है, पिन कोड नहीं डालना पड़ेगा। इसके बाद वो बोल रहा है कि नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो जो भी जिसके नाम से भी हम लर्निंग लाइसेंस बनवा रहे हैं उसका यहाँ फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ जो दे रहे हैं मिडिल नेम और यहाँ लास्ट नेम डाल देना है। यहाँ देख रहे हैं कि रिलीजन, आपको रिलीजन इसमें से चूज कर लेना कि फादर आप का डालना चाहते हैं, मदर, हस्बैंड, गार्जियन जिसका भी डालना चाहते हैं। सिंपली आप इसका नाम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि फुल नेम ऑफ पर रिकॉर्ड, मतलब फुल नेम ऑफ पर रिकॉर्ड वो बोला जा रहा है जिसके नाम से एप्लीकेशन भरा जा रहा है, लर्निंग लाइसेंस बनाया जा रहा है, उसका फुल नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। इसका जेंडर यहाँ पे मेल, फीमेल या जो भी है आप इसमें से चूज कर लेना है। इसको यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। एज ऑलरेडी यहाँ जैसे डेट ऑफ बर्थ चूजेगा, एज ऑलरेडी यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कैलेंडर आ चुका है, जो भी आप डेट ऑफ बर्थ है इसमें से आप डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आप मंथ ईयर जो भी है वो मंथ ईयर यहाँ पर आप चूज कर लेना और सिंपली यहाँ पर इसे चूज कर लेना। देखिए ये एज ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो आप जैसे ही डालिएगा ऑलरेडी इसमें एज सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्लेस बोला है कि प्लेस ऑफ बर्थ मतलब इसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका जो भी स्थान है वो स्थान को आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। यहाँ पर कंट्री देखिए ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। यहाँ क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब मैट्रिक है, पढ़ा लिखा है, आठवां पास है, टेंथ प्लस मतलब टू इंटर है, 10 पास है या बिलो 8 से कम है, या डिप्लोमा है, डॉक्टर है, ग्रेजुएशन है, जो भी है आप इसमें से आप डाल सकते हैं। या नहीं पढ़ा लिखा है तो यहाँ पर नोट स्पेसिफाइड ना पे भी आप करके यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जो भी पढ़ा लिखा है आप इसमें से सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, जो भी ब्लड ग्रुप है तो आप इसमें से अपना ब्लड ग्रुप यहाँ से चूज कर सकते हैं, चूज करके अपना ब्लड ग्रुप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर आप है तो मोबाइल नंबर इसमें दे दीजिए। इसमें बोला रहा है ईमेल आईडी है, अगर है तो इसमें ईमेल आईडी दे दीजिए। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दे दीजिए, जाकि भविष्य में अगर कोई भी आपको जरूरत भी पड़ेगा, अगर बनवा रहे हैं लाइसेंस अगर वो कॉल करे तो आप कहाँ पर कॉल करेगा। अगर आपके पास मोबाइल नंबर रहेगा, अगर ईमेल आईडी रहेगा तो उस पर वो संपर्क कर सकता है। अगर कोई भी एप्लीकेंट का दूसरा अगर कोई मोबाइल नंबर है तो उसमें डाल सकते हैं। अगर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए अगर देना चाहे भाई, देखो अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है, अगर आपका ये जो लर्निंग लाइसेंस का जो कोई ऑफिसर अगर आपसे बात करना चाहते हैं तो वो किस पे बात करेंगे अगर आपका नंबर नहीं लग रहा है। तो इसीलिए आपको कोई अल्टरनेटिव इमरजेंसी नंबर यहाँ पर डाल देना चाहिए, ताकि आपका मोबाइल पर अगर कॉल नहीं लगे तो इस नंबर पर वो संपर्क कर सके। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब आपके बॉडी पे कहीं काटा फटा या कुछ का निशान है तो आप इसमें ऑलरेडी इसमें टाइपिंग कर दीजिएगा। दूसरा अगर कहीं और दूसरा पार्ट पे मतलब कहीं शरीर के किसी भी अंग में अगर यहाँ पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो वो आपको यहाँ पर डाल सकते हैं। सिंपली एक या दो में कहीं में भी आप इसमें टाइपिंग कर दीजिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अपना एड्रेस आप यहाँ पर टाइपिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेजेंट एड्रेस आपका जो है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको डालिएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉपी टू प्रेजेंट एड्रेस, अगर ये एड्रेस आपका इसमें अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम ही है तो सिंपली इस पर कॉपी कीजिएगा। जो भी एड्रेस आप इसमें टाइपिंग किए हुए हैं वो ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ये परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर ये दोनों अलग अलग है तो सिंपली आपको दोनों में आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। तो चलिए इसमें हम यहाँ से टाइपिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरा दोनों एक ही है तो मैं इसमें अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टेट ऑलरेडी सेलेक्ट है, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो तो इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ देख रहे हैं कि सीवी ब्लॉक, जो भी आपका ब्लॉक है इसमें से आपको ऑलरेडी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका विलेज टाउन कहाँ है, तो वो भी जहाँ भी आपका विलेज टाउन है उसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ये सेलेक्ट किए हैं, जैसे ऑलरेडी ये नीचे स्टेट लोकलिटी पुलिस स्टेशन ऑलरेडी नीचे ले चुका है, लैंडमार्क और लोकेशन ऑलरेडी यहाँ पे ले चुका है। तो यहाँ पे अपना जो हाउस नंबर फ्लैट नंबर वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड है, वो पिन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग ऑफ स्टे प्रेजेंट एड्रेस, मतलब आप प्रेजेंट एड्रेस से आप कितने साल से इस पर रह रहे हैं उसका ईयर यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर देखिए मंथ आपको यहाँ पर डाल देना है। तो सिंपली आपको इसको फटाफट भर लेना है। अगर अल्टरनेटिव है तो इसमें भी आपको ऑलरेडी भरना पड़ेगा। तो मेरा सेम ही है, तो मैं इसमें भरूंगा तो ऑलरेडी इसमें ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉपी का मार्क लगा चुका हूँ। देखिए इसमें ऑलरेडी मैं जैसे इसको दोबारा से डाला हूँ तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ड्यूरिंग ऑफ स्टे प्रेजेंट एड्रेस आपको इसमें ये डालना है जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जितना डेट ऑफ बर्थ में आपका जन्म हुआ है वो ऑलरेडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे अपना मंथ डाल सकते हैं। अब जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस कौन कौन से गाड़ी के लिए बनवा रहे हैं, जैसे फोर व्हीलर के लिए बनवा रहे हैं, टू व्हीलर के लिए बना रहे हैं, स्कूटी के लिए बना रहे हैं, थ्री व्हीलर के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसके लिए भी आप बनवा रहे हैं। तो यहाँ से सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप किसके लिए आप जो ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस बनवा रहे हैं। अगर आप फोर व्हीलर के लिए बनवा रहे हैं तो सिंपली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा लाइट मोटर व्हीकल, जैसे इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ कर्सर इस पर ओके कीजिएगा तो देखिए ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। तो आपको इसी तरह आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप टू व्हीलर के लिए बना रहे हैं तो सिंपली आप इसमें से आप इस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल के लिए ये लर्निंग लाइसेंस बनवा रहे हैं तो सिंपली यहाँ देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल विथ गियर, मतलब MCWG आपको इसको सेलेक्ट करना है। जैसे इस पर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर सिंपली प्रोसीड कीजिएगा तो देख रहे हैं कर्सर पे तो सिंपली आपको इसमें आ जाएगा। अगर आप कोई भी थ्री व्हीलर के लिए या आप देख रहे हैं कि लाइट मोटर व्हीकल के लिए बनवा रहे हैं, ट्रैक्टर के लिए बनवा रहे हैं, तो सिंपली आप क्या करना है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और सिंपली ये कर्सर इस पर ले आकर ओके कीजिएगा तो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। अगर बाय द वे आपको समझ में आया कि नहीं हमको सिर्फ ये सब नहीं बनवाना है, सिर्फ हमको फोर व्हीलर के लिए बनवाना है, तो सिंपली अगर इनसे हटाना तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली आपको इस पर सेलेक्ट करना है और इस पर ये कर्सर नीचे वाला कर्सर इसको ओके कीजिएगा तो ये हट जाएगा। देखिए हट गया। चलिए मैं फोर व्हीलर के लिए ही बनवाऊंगा तो सिंपली मैं लाइट मोटर व्हीकल को रहने देता हूं और ये मोटरसाइकिल वाले को हटा देता हूं। तो सिंपली मैं इसको क्या करना है, सिंपली हमको इसको सेलेक्ट करना है और सिंपली इसको हम बैक कर लेंगे तो इस तरीका से ये हट जाएगा। तो चलिए हमको रखना है तो सिंपली हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम प्रोसीड कर्सर को ओके करेंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सिंपली देख रहे हैं कि नीचे पूछा जा रहा है कि आपको ये टर्म कंडीशन, अगर आपको टर्म कंडीशन में अगर ये इसको एक्सेप्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि आप स्कूल में ड्राइविंग के लिए अप्लाई किए हुए थे, अगर किए हुए थे यस करेंगे, नहीं तो इसको सिंपली इसको क्या करना है इसे ही छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ नीचे पूछा जा रहा है कि अगर क्या आपका एक्सीडेंट होता है, अगर आप अपना ऑर्गन दान करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर इसको टिक करेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो सिंपली इसको अनटिक ही रहने देंगे। इसको सिंपली क्या करना है, ये डिक्लेरेशन आपको इस डिक्लेरेशन को ओके करना है और इसको सिंपली आपको क्या करना है, सबमिट पे ओके करना है। अगर आपको फिर लग रहा है कि कहीं कुछ गलती है तो इसको आप रिफ्रेश करके आप दोबारा से इसको भर सकते हैं। अगर लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है तो सिंपली आपको क्या करना है, सबमिट पे जाके इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद जैसे ओके कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, आपका नाम यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन डेट आ चुका है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आ चुका है, ब्लड ग्रुप आप जो भी है यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ फादर नंबर और अपने जेंडर यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका एक बार कोड भी यहाँ पर जनरेट करके दे गया है और यहाँ पर पूरा आपका नीचे एड्रेस और यहाँ पर आपका RTO लोकेशन आ चुका है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सर्विस रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर आपका ये ऑप्शन आ चुका है। यहाँ जो देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट प्रूफ में आप क्या दिए हैं वो आप यहाँ पे आ चुका है। तो इसको बहुत आसानी से आप इसको रीड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये फॉर्म को आपको प्रिंट करके रख लेना। चलिए मैं यहाँ से प्रिंट करके रख लेता हूँ। प्रिंट वाले पर प्रिंट फॉर्म ए पर क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपको ये प्रिंट वाला ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं प्रिंट का ये ऑप्शन आ चुका है। सिंपली चलिए मैं इसको प्रिंट करके रख लेता हूँ। तो सिंपली अब मैं यहाँ पे इसको देख रहे हैं कि मैं पास सेलेक्ट कर लिया हूँ। चलिए मैं डेस्कटॉप है, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो मेरा फॉर्म है ये ऑलरेडी मेरा प्रिंट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉर्म ये है, ये आपको फॉर्म फिलअप करके डालना पड़ेगा। यह फॉर्म ये है मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। सिंपली यह फॉर्म प्रिंट फॉर्म 1A पर देखें
क्लिक कीजिएगा, इसी पे क्लिक कीजिएगा फॉर्म 1A पे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो आपको इसको जो भी सरकारी डॉक्टर या जो भी आपको प्राइवेट डॉक्टर है उससे आपको इस पर सिग्नेचर लेके अपना यस और नो करके सिंपली सर्टिफिकेट और फोटो वगैरह चिपका के, और यहाँ पर ऑलरेडी आपका नाम अगर आ चुका है तो ये फॉर्म आपको फिलअप कर इसमें अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए सिंपली इसको मैं डाउनलोड करके रख लेता हूँ, और मैं ये फॉर्म को ऑलरेडी मैं बना के रखे हुआ हूँ। मैं आपको समझाने के लिए इसको बताया हूँ कि आपको किस तरीके से यहाँ जैसे डाउनलोड करना है। अगर इस फॉर्म को आप डाउनलोड करके आप बहुत ही आसानी से डॉक्टर से जाके आप इस फॉर्म को सिग्नेचर करवा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे सब कुछ अगर आप लोग आपका सही है तो सिंपली इसमें आप रीड कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले पर ओके कर देना है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट वाले पर मैं ओके कर देता हूँ। ओके करते ही कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि आपका कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो वही फॉर्म इसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह वो सारा डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं कि यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट है, जो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद देख रहे हैं हम जो फॉर्म फिलअप किए हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आपको चार स्टेप हमको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करना पड़ेगा, इसके बाद फोटो और सिग्नेचर, इसके बाद लास्ट में जो मेथड है हमको यहाँ पर पेमेंट इसमें करना पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, और यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल जो भी है आपका यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, और इसमें नोट में जो भी नोटिफिकेशन है इसमें आप जाके इसमें नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए इस पर टिक करना पड़ेगा। अगर कहीं और टिक है तो सिंपली इस पर टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद सिंपली यहाँ प्रोसीड पर ओके कीजिएगा। जैसे इस पर ओके कीजिएगा कुछ सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं सब कुछ है ओके है, सिंपली आपको यहाँ सबमिट पर ओके कर देना है। सबमिट पर ओके करते ही यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, एप्लीकेशन का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद सिंपली आप क्या करना है, इसको ओके कर देना है। ओके करते ही आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आपका अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्या सब है, तो यहाँ पर सेलेक्ट आपको एज प्रूफ देना पड़ेगा, दूसरा आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, और फॉर्म 1 जो मैं पहले बताया हूँ कि आपको इसको भर कर रखना है, जो मैं डाउनलोड करके दिखाया था, तो आपको वो फॉर्म 1 इसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा। चलिए मैं पहले एज प्रूफ के लिए अपलोड कर लेता हूँ। तो सिंपली एज प्रूफ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रूफ सेलेक्ट कर लेंगे, आपको क्या सब देना चाहते हैं, जैसे SSCL देना चाहते हैं, स्कूल या एजुकेशन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जो भी देना चाहते हैं इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं पैन कार्ड देना चाहता हूँ, वो सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट हो चुका है। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, यहाँ इशू डेट डालना है, क्या इशू हुआ था, इसके बाद इशू अथॉरिटी का जो डेट हुआ डालना है, यहाँ इशू डेट डालना है, इसके बाद यहाँ पर जो फॉर्म है वो फॉर्म को यहाँ पर आपको अपलोड करना है, और ये जो इशू अथॉरिटी है वो आपको जो कहाँ से ये इशू हुआ वो डालना है। यहाँ पर डेट डाल देना है, जो भी पैन कार्ड का जो डेट है वो डेट डाल देना है, इसमें आपको अपलोड कर देना। चलिए मैं इसमें आपको इसे ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको अपलोड कर देना है, और यहाँ जैसा इसमें अपलोड है यहाँ सिंपली क्या करना है, अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये JPG, JPG और PDF फाइल, ये तीन फाइल में JPEG, JPG और PDF फाइल में होना चाहिए, जो मैक्सिमम साइज है 200 KB, 200 KB से ज़्यादा का ये फाइल नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसमें मैं फटाफट से अपलोड कर लेता हूँ। इसमें अपलोड चूज करने के बाद सिंपली यहाँ पर अपलोड कर पे ओके करना है। जैसे अपलोड वाले पे ओके कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पर अपलोड हो चुका है। यहाँ व्यू का ऑप्शन है, व्यू पे क्लिक करके आप इसको आप देख भी सकते हैं। सिंपली यहाँ से हम इसको चलिए कन्फर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ मेरा दो बच गया, तीन था, तो अब यहाँ पर एड्रेस प्रूफ देना है और फॉर्म 1 फिलअप करना है। चलिए मैं एड्रेस प्रूफ में पे ओके करके यहाँ एड्रेस प्रूफ डाल देता हूँ। इसको सिंपली आपको यहां से अपना एड्रेस प्रूफ में क्या देना चाहते हैं वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए अब देख रहे हैं कि बहुत सारा ऑप्शन है, पासपोर्ट है, एफिलेटेड है, वोटर आईडी, LIC पॉलिसी, जो भी है आप इसमें, इलेक्ट्रिक बिल भी है, BSNL का बिल है, लैंडलाइन राशन कार्ड, तो जो भी देना चाहते हैं इसमें आप दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर वोटर आईडी चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट नंबर डाल देना है। यहाँ पर एक बार अपडेट हो जाता है क्योंकि सेलेक्ट होता है तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ जाता है, ये सर्च करता है कि ये ऑलरेडी सही है या नहीं, तो इस तरह से अपडेट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर डाल देना है, इशू कहाँ से हुआ था वो उस जगह का नाम यहाँ डाल देना है, इशू का डेट यहाँ पर डाल देना है, यहाँ से आपको चूज कर लेना है, और चूज करने के बाद सिंपली इसको अपलोड पे जाकर अपलोड कर देना है। और इसका फाइल 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और ये JPEG और PDF फाइल में होना चाहिए। तो चलिए मैं पासपोर्ट का नंबर वगैरह डाल के यहाँ पर सिंपली अपलोड पे करके अपलोड कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सिंपली यहाँ कन्फर्म कर दीजिएगा, ये भी अपलोड आपका अपलोड ऑलरेडी हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ ये ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अपलोड हो रहा है। चलिए सिंपली मेरा एक और बच गया है, मैं यहाँ पे फॉर्म वन अपलोड कर देता हूँ। तो सिंपली मैं फॉर्म वन सेलेक्ट किया, यहाँ पे जो फॉर्म वन है वो हमको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी नंबर वगैरह है वो डाल के आपका फॉर्म को अपलोड कर देना। तो यहाँ पे सिंपली जो भी डॉक्यूमेंट नंबर है और जहाँ से भी इशू हुआ है, इशू डेट, और यहाँ पर आपको फॉर्म वन आपको चूज करके यहाँ पर सिंपली अपलोड कर देना है। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है और जो यहाँ पे इसका आप शो कर रहा है। तो आप बहुत अच्छी तरह से एक बार इसको रीड कर लीजिए और देख लीजिए आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑल डॉक्यूमेंट आर यू अपलोड सक्सेसफुली। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करते ही आपके पास फिर ये वाला ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि हम दो स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन है, तो सिंपली इस पर टिक कीजिए, यहाँ पर प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपका सामने ये ओपन होकर आ चुका है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है। आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि फोटो आएगा और यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि स्क्रॉल डाउन करके नीचे अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्राउजर का ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आपका फोटो रखे हुए हैं वो वहाँ से आपका फोटो को सिंपली इसके चूज करके इसमें यहाँ पर ओपन कर लेना है। अब देख रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है कि फोटो इमेज शायद नोट बी ग्रेटर देन 20 KB, तो 20 KB से कम कहाँ चाहिए। चलिए हम यहाँ 20 KB से कम वाला अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद आपको कब को जो भी सिग्नेचर है, सिग्नेचर को भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जहाँ भी सिग्नेचर है, सिग्नेचर को सिंपली आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आपको जो फोटो और सिग्नेचर का जो भी साइज होगा वो आपको फोटो और सिग्नेचर का साइज 20 KB से कम का होना चाहिए, तभी आपको अपलोड हो पाएगा। तो चलिए सिंपली मैं इसमें अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, मैं दोनों में सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब सिंपली यहाँ पर अपलोड वाले पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जब देखिए मेरा फोटो और मेरा यहाँ पर सिग्नेचर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है और यहाँ आप इसका साइज भी देख सकते हैं, 10 KB से 20 KB का होना चाहिए। ये JPEG और JPEG फाइल में ये आपका होना चाहिए। चलिए मेरा तो अपलोड मैं इसमें कर चुका हूँ जो 20 KB से कम था। तो आप भी 10 KB और 20 KB के अंदर में रखिएगा और जो फाइल का साइज होना चाहिए वो विद आपको देख रहे इतना होना चाहिए, इतना इंच, और इसका हाइट इतना इंच होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। आपका भी इसी तरह और सक्सेसफुली हो जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ नेक्स्ट वाले पे ओके कर देना है। नेक्स्ट वाले पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पे आपका देख पूरा एप्लीकेशन है और आ जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको जो लास्ट बच गया है वो आपको फी पेमेंट का ऑप्शन बच गया है। तो सिंपली चलिए मेरा 3 स्टेप फॉलो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं फी पेमेंट के लिए ओके कर लेता हूँ। तो सिंपली आपको प्रोसीड वाले पे ओके कर देना है। जैसे ओके कीजिएगा कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो मोटरसाइकिल विथ गियर का जो है आपको फी अमाउंट 150 रुपये और यहाँ टोटल 150 रुपये, ये जो टोटल जो आपको हो जा रहा है 740 रुपये। तो आपको 740 रुपये में आपको ये लर्निंग लाइसेंस आपका बन जाएगा और आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अलग से फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी बनाने वाला हूँ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आप मोटरसाइकिल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसका फी है 740 रुपये। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसको कैप्चा, आपको कैप्चा इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ये पेमेंट किससे करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ बैंक गेटवे और ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑन गवर्नमेंट एजेंसी, तो सिंपली अगर आप इससे पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसे सेलेक्ट कर देना है। अब पे आप कैप्चा इसमें डालकर आपको सिंपली पेन पर क्लिक कर देना है। तो आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, मगर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना इससे पेमेंट नहीं कीजिए, आप स्वयं जाके RTO ऑफिस में जाके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देख रहे हैं कि पे लेटर पर ऑप्शन है, यहाँ पे लेटर पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा, आप इसको आप रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद सिंपली यहाँ पर हम प्रोसीड वाले पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से ये आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आ गया है, आ जाएगा। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि एप्लीकेशन नेम RTO और यहाँ RTO का स्टेटस यहाँ पर ऑलरेडी आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर होम पर क्लिक कर देना है। होम पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। अगर आप कहीं ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ से जाके ऑनलाइन पे जाके आप स्लॉट बुकिंग करके आप डायरेक्ट जाके
वहाँ पे अपना आरटीओ ऑफिस में अपना जो टेस्ट है वो दे सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप जो मेथड मैं बताया हूँ सिंपली मेथड करके आपको वही पेज पे आ जाना है, और आपको स्वयं से जाकर वहाँ पर आपको 740 रुपये का पेमेंट करना है आरटीओ ऑफिस में जाकर, और जितना इसका जो फॉर्म का है वो फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है, और जितना मैं डॉक्यूमेंट में इसमें दिए हो आप, जैसे आप आधार कार्ड दिए हो या पासपोर्ट दिए हो, ड्राइविंग लाइसेंस दिए हो, या जो भी आप डॉक्यूमेंट दिए हो सारे डॉक्यूमेंट और फोटो ले जाकर आपको आरटीओ ऑफिस में जमा करना है। वहाँ पर आपको हाथों हाथ आपको लर्निंग लाइसेंस दे दिया जाएगा, और लर्निंग लाइसेंस का जो टाइम होता है 6 मंथ का होता है, 6 मंथ में आप इसको यूज कर सकते हो। 6 मंथ के अंदर आप पास अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम प्रिंट कैसे निकालेंगे, तो प्रिंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देख रहे हैं कि लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन है, तो सिंपली लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक ऐसे कर्सर रखिएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे आने को यहाँ देख रहे हैं कि प्रिंट लर्निंग लाइसेंस, सिंपली अब इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन, यहाँ प्रोसीड पर ओके कर देना है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, जो आपको एप्लीकेशन नंबर पहले मैं दिखाया था वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालना है, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल के सिंपली यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर पूरा यहाँ पर आपका फॉर्म आ चुका है, यहाँ पर देख रहे हैं कि एप्लीकेशन लर्निंग लाइसेंस, और यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म आ चुका है। तो आप बहुत ही आसानी से ये फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके बाद इसी तरीके से आप फॉर्म को ऑनलाइन करके आप इसको प्रिंट आउट निकाल के लेके जा सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ये फॉर्म 1 और ये फॉर्म 1A लेके जाना पड़ेगा। फॉर्म 1 आपको वह फॉर्म है जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो जमा किए हैं, और इसमें सारे आपको बायोडाटा यहाँ पे रहेगा। चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा आपको बायोडाटा यहाँ पे इस फॉर्म में आपका रहेगा, और यहाँ पे आपको टर्म कंडीशन को यस नो कर देना है, और यस नो करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सिग्नेचर करके आप इसको फॉर्म को देना है। और दूसरा आपको फॉर्म ये है, और दूसरा फॉर्म है आपको फॉर्म 1A। फॉर्म 1 ये है कि आपको इस पे आपको जो नाम वगैरह रहेगा आप यहाँ पे यस नो टर्म को कीजिएगा। आप इसको आपको मेडिकल डॉक्टर जो होता है उससे आपको मेडिकल डॉक्टर से इस पे सिग्नेचर लेना पड़ेगा। सिग्नेचर लेने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर सिग्नेचर आपको लेना पड़ेगा मेडिकल ऑफिसर वगैरह से, और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करके यहाँ फोटो डाल के, और साथ ही जितना रिलेटिव डॉक्यूमेंट है सब रिलेटिव डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड जो आप दिए हुए हैं वो आधार कार्ड पैन कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा, और आपका फोटो सभी और लेके जाना पड़ेगा, और 740 रुपये वो आपको लेके जाना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस में। जैसे आरटीओ ऑफिस में ये सारे फॉर्म लेके जाइएगा, वहाँ जमा कीजिएगा, तो जो आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, और आप टेस्ट में पास हो जा रहे हैं तो आपके होम एड्रेस जो भी एड्रेस दिए हुए हैं आपको एड्रेस पे लर्निंग लाइसेंस को सेंड कर दिया जाएगा, और उसको जो वैलिड होता है उसका वैलिड जो होता है 6 महीने का होता है। 6 महीने के अंदर में आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 6 महीने तक आप इस जो लर्निंग लाइसेंस है इसका आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे कि लर्निंग लाइसेंस का यूज तभी कीजिएगा जब आपके पीछे बाइक पे आप या फोर व्हीलर चला रहे हैं उस पे कोई बंदा बैठा हो जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो। अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और उसका ड्राइविंग करना आता है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस है, तभी आप लर्निंग लाइसेंस का यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपका यूज करना बेकार है, आपको पुलिस पकड़ लेगा और लेने के देने पड़ सकते हैं। तो आप ध्यान रहे कि आपके पीछे वही बंदा बैठा होना चाहिए जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तभी आप बाइक या फोर व्हीलर चला सकते हैं, नहीं तो आप नहीं चला सकते हैं। आप तभी चला सकते हैं जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। तो गाइस इसी तरह मेरे चैनल में बने रहिए। जैसे ही आप लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो 6 महीने के बाद जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। जब तक आप 6 महीने तक आप जो है 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए आप जो है ऑनलाइन अप्लाई किए हुए हैं तो आप जो है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चला सकते हैं, बट आपको शर्त यह है कि आपके पीछे जो है एक ड्राइवर होना चाहिए जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, तभी आप जो है ड्राइविंग कर सकते हैं, नहीं तो आप जो पुलिस पकड़ लेगा तो आप जो है बहुत ही प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप जो ड्राइविंग करते हैं अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो आपके पीछे एक ड्राइवर होना चाहिए जिसके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस हो, तभी आप जो है ड्राइविंग कर सकते हैं, वो भी 6 महीने तक। 6 महीने के बाद जो है आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज आपने सीखा कि किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।